ये सवा दो मरले मकान है, दो मरले चार का, सामने दुकान देख लें जी, और ये अंदर से भी आपको विजिट करवाते हैं जी। फ्रंट एलिवेशन देख लें, दो मरले चार का जी, और ये दूसरी साइड से गली का व्यू देख लें, मियां सिटी कॉलोनी का नाम है, और सवा दो मरले, दो मरले चार गज मुकम्मल जगह है, 270 फुट मरला है, गली की काटनी है जी। फ्रंट में ये पहले इन्होंने गैराज दे दिया जी, छोटी गाड़ी इसमें मेहरान आ सकती है जी। कलर कम्बिनेशन देख लें जी, राइट साइड पे सीढ़ी दे दी है जी, ये फर्स्ट में जो है ये इसका ब्रेकर दिए हैं, मेन स्विच वगैरह दिया जी, डोर बेल दे दी है जी, इलेक्ट्रिसिटी का काम देखें जी, बटन वटन देख लें जी, एक ड्राइंग है और एक बेडरूम है जी, ये वाशरूम है, वाश बेसन दे दी है जी सीढ़ियों के साथ ही, ये कुछ वाशिंग एरिया है, ये मोटर की जगह है जी, ये जी वाशरूम है जी, ये वाशरूम सीढ़ी के नीचे दे दिए जी उन्होंने। दरवाजे देख लें जी, लाई के दरवाजे हैं, मुनासिब हैं जी दरवाजे जी। किचन का काम देखें जी, ये रैक शैक लगे हुए हैं जी, सिंक लगाया हुआ है जी, और प्लाई के ये रैक देखें, ठीक बने हुए हैं रैक जी। छोटा मकान है जी, छोटी फैमिली के लिए जी, इकोनॉमिकल प्राइस में जी। प्रॉपर्टी बैंक ऑफिशियल मोहम्मद अरशद, मैं ख़ुद आपको ये मकान विज़िट करवा रहा हूँ जी। मार्बल टाइल लगी हुई है जी, ये ड्राइंग रूम है जी, मियां सिटी कॉलोनी जो है पीरंगब रोड से अनीशा गार्डन के बिल्कुल साथ गली है जी, अनीशा गार्डन मैरिज क्लब के साथ वाली गली में सीधी मियां सिटी आएंगे और फर्स्ट लेफ्ट गली इसमें मुड़ेंगे तो ये दुकान के सामने मकान है जी, दो मरले चार का। अंदर चलते हैं जी, लाइट देखते हैं कि कमरे की लाइट बंद है या बिल्कुल जी बंद थी, लाइट हमने ऑन कर ली है जी, ये देखें जी, ठीक है बेड का साइज और मार्बल लगा हुआ है जी। कलर कॉम्बिनेशन देखें जी, एग्जॉस्ट के लिए जगह दे दी है जी, अगर एसी लगाएं तो आप ये बंद कर लें जी। छत देखें जी, ऊपर लिए चलते हैं जी आपको, आपको मालूम है कि जी मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो मकान के करीब हो या उसमें कोई इशू हो या उसकी वजह से वो लाजमी हाईलाइट करता हूँ, ताकि पार्टीज जो हैं वो सोच समझ के मकान लें जी। लें जी, ऊपर आ गए हैं जी हम छत पे जी, रात को आप इजीली सो सकते हैं जी, खुली छत है जी, और ये देखें जी, अब देखेंगे जी ये खंभा लगा हुआ है बड़ा, मगर ये हमारे इस मकान से गली क्रॉस करके तो उसके बाद वो मकान लगा है, जो कि तारें उसकी दूर हैं जी। और इसी तरह अगर मैं इधर बात करूं, इस तरफ भी खंभा है, मगर इस मकान के बाद वो मकान, फिर मकान, फिर मकान, तीन चार मकानों के बाद खंभा है, और खंभे की तारें मकान से अच्छी खासी दूर हैं जी। ये देखेंगे जी, अगर हम स्ट्रेट दिखाना चाहें, हम दोनों खंभों के दरमियान में घर है, तारें दूर हैं, तकरीबन आपस में खंभों का जो डिस्टेंस है वो मैं समझता हूँ एक एकड़ का फासला लाजमी होगा। ये देख लें, ये मैं कोने पर मकान के खड़ा हूँ तो कोई ऊपर तारें नहीं है जी, बेफिक्री से आप मकान ले सकते हैं, साफ़ी मकान है। उस तरफ भी मैं चलता हूँ, आपको दिखा दूँ जी मैं, ये वाटर टैंक देख लें जी, इसका बड़े साइज़ का, छोटा साइज़ नहीं है। ये देखेंगे जी, ये मैं गली पे, और गली के बाद फिर वो प्लाट से बैक पे खंभा है जी, ठीक है जी, इस मकान से दूर है जी। इस वक्त मैं देखें सेंटर में देखूंगा, ये तारें ये हो गई और इधर से वो तारें हो गई। मकान में ये खंभे दोनों साइडों पर हैं,
मगर अच्छे खासे दूर हैं। आप दूर से हैं, मकान देख लें, आप कहें कि जी हमने हाईलाइट नहीं किए, तो खंबे और तारों का मैंने अंदाज़ा बता दिया कि इस मकान से बहुत दूर हैं। इसका किसी भी किस्म का असरात इस मकान को नहीं हो सकता। पीरंगेब रोड से, निशा गार्डन से ये बिल्कुल करीब है। ढाई मरले, दो मरले, चार गज मकान है जी। 25 लाख रुपए इसकी डिमांड है और मार्बल टाइल लगी हुई है, सिंगल स्टोरी है, 270 फुट का मरला है जी। ले जी, मकान आपको दो मरले चार गज हमने विजिट करवाया जी। मेन स्विच लगे हुए हैं, मेन स्विच चालू है जी बिल्कुल। ये देखें, हमने सब चीज़ें ऑफ कर दी हैं जी। दरवाज़ा भी मेरी समझ में मकबूल है जी। साथ वाला मकान भी आपको दिखाते हैं जी। ये टाइल देख लें, इसको लगी हुई थी जी, और अब भी आप देख लें कि ये जो मैंने आपको खंभे और तारें बताई हैं वो दूर हैं। ये मैं बाहर खड़ा हूँ, ये देख लें, ये देख लें।